वंदे शिव पुराणम ही, वंदे शिव पुराणम ही, सर्वदाहं प्रसन्नधि, सर्वदाहं प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां याया, शिवः प्रसन्नतां याया, दद्यात् स्वपदयोरतिं, दद्यात् स्वपदयोरतिं। इसका मतलब है हम शिव पुराण की वंदना कर रहे हैं जो शिव स्वरूप है कलयुग में। इससे हम हमेशा प्रसन्नता पूर्वक वंदन करते रहे और शिव जी प्रसन्न हो और दद्यात् स्वपदयोरति, प्रसन्न होकर अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें। भगवान से और कुछ नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। प्रभो अपना प्रेम दे दो, कितनी बड़ी बात है जी। आज आदमी खूब पैसा खर्च कर देता है, गाड़ी दे देगा, रुपया दे देगा, प्रेम नहीं देगा। क्यों? हर स्त्री अपने पति से क्या मांगती है, अरे भाई आप साड़ी नहीं देना अच्छी वाली चलेगा, हैं? आप हमको अच्छे आभूषण नहीं दो चलेगा। अपना प्रेम किसी को मत दे देना भाई, प्रेम तो मुझे ही चाहिए बस, यही तो मांगते हैं। क्योंकि सबसे कीमती क्या है मनुष्य के पास, क्या है जी, सबसे कीमती है प्रेम। बंधुओं इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल तत्व है, इसी पे सारा जीवन निर्भर करता है, जीवन की सारी खुशियां इसी पर निर्भर करती है। जिसने इस चीज को पहचान लिया वो जीवन में हमेशा मस्त रहेगा। प्रेम तत्व, और प्रेम सबको चाहिए, प्रेम के बिना कोई जी ही नहीं सकता है। छोटा बच्चा भी कहता मुझे कोई नहीं प्रेम करता, मेरा घर में कोई नहीं पूछता, देखो वो भी समझता है। तो प्रेम सबको चाहिए, हम भी भगवान से यही मांगे कि प्रभु मुझे भी आपका प्रेम चाहिए, थोड़ा अपना प्रेम देना, है ना। बाबा के प्रेम मिल जाए, शिव जी की भक्ति मिल जाए। भक्ति का मतलब और कुछ नहीं है जी, भक्ति का मतलब है प्रेम। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि प्रेम भक्ति क्या है, बोले परम प्रेम ही भक्ति है, जिसको प्राप्त करने के बाद आदमी सिद्ध होता है। सिद्ध का मतलब सफल हो गया, प्रेम प्राप्त हो गया, सफल हुआ कि नहीं हुआ आप बताओ, सफल होता है कि नहीं होता है। प्रेम मिल जाए बस, और क्या चाहिए। सिद्धो भवति अमृतो भवति, इस परम प्रेम रूपी भक्ति को पाने के बाद वो अमर हो जाता है, अपने को मरण धर्मा समझता ही नहीं है। शरीर को मरना है, आज ही चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अमर हैं, हमारी आत्मा अमर है, हमारा प्रेम भी अमर है। हाँ, आज ही चला जाए, शरीर तो क्या करना है। तो अमृतो भवति और तृप्त होता है। सबसे बड़ी बात कि प्रेम यदि सच्चा मिल गया तो आदमी का प्रथम लक्षण यह है कि वो तृप्त हो जाता है, छटपट छटपट नहीं करता। भगवान का प्रेम जिस भक्त को मिल गया वो भी जीवन में संतुष्ट और परम पवित्र परम तृप्त हो जाता है।